कान भी छिलेगा भाई, कान छिलेगा, कान छिलेगा, दर्द होगा भयंकर यार। Hey guys, welcome back to a new vlog. सुबह के बज रहे 7, करेक्ट 7 बज रहे, और सामने से भाई सब सूरज की किरणें सामने से मेरे मुंह में आ रही है, भयंकर सीधे तेज लग रही है आंखों में। ये है सामने सूरज देवता। बाकी मम्मी जी यहाँ पे सुबह सुबह उठ के कूड़ा फेंकने की तैयारी कर रही हैं, कूड़ा गाड़ी में, तो प्रणाम। बाकी पापा ले गए चुलबुल को वॉक कराने के लिए, और यहाँ पे टकला महाशय इज रेडी फॉर द स्कूल। वेरी गुड, आ जाओ टकला महाशय। भाई स्कूल जाने से पहले चैटिंग कर रहा है। अरे वीडियो डाल रहा हूँ, फॉर्म भरो। इसका फॉर्म भरना है, ये बस का फॉर्म, इसके स्कूल का फॉर्म को भर के क्या होगा भाई? अरे नई बस सफल होती है ना हर साल, नई बस में लिस्ट में नाम डलवाने का फॉर्म है। चलो भरते इसका फॉर्म। नेम ऑफ स्टूडेंट पागल, मेधाश पांडे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। क्लास टेंथ में एक टाइम पे मैं भी था, और ऐसे ही क्लास टेंथ को लिखता था भाई साहब ऐसे ही। कौन सा सेक्शन, कौन सा है? सी ए टू, मतलब सेक्शन मेरा था ए भाई, हमेशा मैं ए था, ए वाला। हां तो जल्दी, और तेरा सी है। अब यहां पे लिखा पेरेंट सिग्नेचर, तो ओम पेरेंट सिग्नेचर में मैं साइन कर दूं? कर दो पेरेंट सिग्नेचर में मैं साइन कर दूं? लो माता जी साइन कर दो आप। ये क्या फॉर्म है? ये पेरेंट सिग्नेचर, और ये पेरेंट सिग्नेचर का फॉर्म है कि ओम को स्कूल से बाहर निकाल रहे, इसका फॉर्म है ये। बकवास मत कर कि ओम को धक्के मार के स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर रहे हैं। रेस्ट्रिकेट ठीक है ना मम्मी? भाई मुझे पेरेंट सिग्नेचर में साइन करके जो मजे आते हैं ना भाई, वो मजे कहीं नहीं आते भाई, नकली साइन पापा मम्मी के। ये देखो गाइस, सामने पापा और मम्मी देख रहे हैं व्लॉग। तो गाइस अभी नहा धो के पूजा पाठ कर ली है, और अब निकलते हैं मार्केट की तरफ, बिकॉज अभी जाके हम कुछ सामान लेना है, कुछ सामान लेना है, बनवाना है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। तो पापा और मैं निकलते हैं, तो सीधे मिलते हैं मार्केट में, चलो। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं गणपति ज्वेलर्स में, बिकॉज मुझे बनाना अपने हाथ के लिए, कितना शोर कर रहे भाई गौड़, अपने हाथ के लिए कड़ा, और पापा बना रहे अपने लिए कान की बाली, हमारे मालिक साहब। ये देखो सब हेलो करो, हेलो 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 हेलो, ये हेलो हेलो, और इनकी आवाज चली गई है। ये हमारी ना, हमारे पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी जो थे ना, हाँ। वो यहीं से, ये हमारी इतनी पुरानी दुकान है। सही बात, क्योंकि पापा बैठते पहले देखो फोटो लगी है, और कुंडली भी देखे थे, वो बहुत ग्रेट आदमी थे, उनके बेटे हैं। सही बात, और मेरे लिए कान की बाली बना रहे, कान में डालो आप गुरखा चला रहे हो तो कान में बाली होनी चाहिए। क्या बात, अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन इसको कड़ा दिया था आपने, आपके आ रहा है, लेकिन इन्हें उतार कर अलग रख दिया क्योंकि पिछक रहा है, तो मैंने पहन लिया, तो इसको ऐसा चाहिए जो जो मोटा कड़ा चाहिए, मोटा कड़ा पंजाबी कड़ा जो पिछके ना चांदी का, बिल्कुल। तो भाई मेरे पास जो कड़ा था ना वो पिचक रहा था, तो मुझे चाहिए ऐसा कड़ा जो पिचके ना, बस मोटा चाहिए, मोटा कड़ा पहन लिया। हाँ, मैंने अपना कड़ा जो था ना वो पापा को गिफ्ट कर दिया है, बाकी मेरे लिए आएगा नया कड़ा। मैंने कहा ये अपनी तरफ से दे रहे, बोलो ना। हाँ। तो उनकी पूरी आवाज बंद हो गई। अच्छा सुनो, भाई पैसे ले रहे हैं। तो पापा बना रहे अपने लिए कान की बाली, कान कौन सी वाली? कान भी छिलेगा भाई, कान छिलेगा, कान छिलेगा, दर्द होगा भयंकर यार। मैं लगाऊं? अरे भाई साहब मैं लगा रहा हूँ निशान कान में कि कहाँ छेद होगा, तो छेद यहाँ पे होगा। दूर से ले यार, नजदीक से बहुत डरावना लगता हूँ मैं। ये आ गया, ये हो गया, नीचे हो गया बहुत ठीक है। नहीं यार वो तुम लगा रहा है यार, कहाँ आइडिया बता, कहाँ लगा देगा पहली बार है, फर्स्ट टाइम जने पर नकली हुआ यार। बाकी ये है पापा की सोने की चेन, तीन बार गिर चुकी है। हाँ। और कपड़ों में अटक चुकी है, अरे लाकी है, अरे बाप रे। लेकिन मैंने कहा भाई ये इसको पहनूं या नहीं पहनूं, उनसे पूछा मैंने। हाँ। तो अभी ठीक करके दे, तो अभी चेक कर रहे कि जो वो चेन है वो एक लाकी है कि नहीं है। 1,11,000 भाई साहब, शौक है भाई, शौक पाले पापा ने, गुरखा में बैठे हैं तो भाई ये तो शौक पालने पड़ेंगे। वो लग रहे गैंगस्टर भाई साहब, ये लग रहे गैंगस्टर है ना, इनको वही पागल हो जाएगा देखकर भी, गैंगस्टर खतरनाक गैंगस्टर है ना, पूरे गैंगस्टर, पूरे गैंगस्टर भाई भाई, दर्द मत करना यार, बस हो गया। और दूर से ले यार कैमरा, लग तो ऐसे रहे जैसे कान निकाल देंगे पूरा आराम से। अरे यार दर्द मत करना यार, हो रहा हल्का सा, हल्का सा हो रहा है। डाल दिया भाई, डाल दिया, इसी को मोड़ दे, अभी बाद में पहनना सोने के। भाई साहब शक्ल तो ऐसी बना रहे थे जैसे कि कान निकाल देंगे पूरा ही। क्या लगा भाई, कान में छेद कर दिया तू, बोला ऐसा कर, ऐसे बना रहा है। अरे वो ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे हो जैसे कि पूरा कान निकाल देंगे मार।
गुस्से में बिल्कुल भयंकर। भाई पापा क्या क्या ले रहे हैं आज? अंगूठी भी ले रहे हैं अब इतनी मोटी। गुरखा में बैठ रहा हूँ यार। गुरखा में बैठ रहे हो कहाँ? BMW में बैठ रहे हो। बाकी देखो गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक कैमरा, ये एक, ये एक, ये एक, ये अंकल ये कैमरे क्यों लगाया आपने? इतने अपने हट्टे कट्टे आदमी रखे हुए अपने पास, खाली में रखे आपने कैमरे। तो गाइस देखो ये इतनी सी अंगूठी सोने की 30,000 रुपए की है, 30,000 रुपीस। पापा ले रहे थे बट प्लान कैंसिल। भाई रेट बढ़ गया, ये 40 की हो जाएगी, 40 की भी हो जाएगी। तो ले रहे हो नहीं ले रहे हो? रेट डाउन हो गया तो ये अंगूठी सस्ती भी हो जाएगी। तो ले रहे हो नहीं ले रहे हो? अब आप यहाँ पे इतने सारे नेकलेस रखे हुए हैं। तो भाई देखो इतनी सारी अंगूठियाँ आ गई है ये, और मैंने अपने हाथ में पहन लिया ये और ये। स्टाइल मारने के चक्कर में मस्त मजे कर रहा हूँ भाई आज मैं पहन के। इनको एक ये एक ये एक ये एक ये। अंकल जी बाय बाय बाय, लेके भाग रहा हूँ मैं। कम से कम भाई साहब ये 2-3 लाख की तो होगी आराम से। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ये 2 अंगूठी ले लेता हूँ अपने लिए। अरे तू लेके क्या करेगा? क्यों तो शादी मिल जाएगी? तो शादी में लड़की वाले ना 2-3 अंगूठे देते हैं। अच्छा तो मिल जाएगी वहाँ? क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? पर यहाँ मिल लेगा ना तो मेरी तो शादी होगी ना। अच्छा अच्छा, मुझे कहीं से मिलने वाला नहीं है। हाँ। यहीं से तू ही देगा जो देगा। चलो ठीक है। हाँ। पक्का मिलेगी? पक्का मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं जबरदस्ती मांगूंगा। ये पापा की शादी की अंगूठी है। कौन सी वाली? ये कौन सी वाली? कागी कागी ये यहाँ घुस गई है। ये दी थी नाना जी ने, ये देख रहे थी मोटी हड्डी। शादी की तभी तो निशान बना दे रही थी। हाथ छेद दिया, पूरा हाथ छिलके कैसा कर दिया शादी की अंगूठी में। ये पता है ये गाइस इसकी प्राइसिंग आज 50,000 रुपए है इसकी। गाइस यहाँ पे बैठ के हमारी लस्सी भी आ चुकी है, और ये देखो लस्सी मस्त पी रहे पापा। ये फुल एंजॉय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, मजे आ गए। थैंक यू सो मच। लव। चलिए ओके अंकल, फिर मिलेंगे आपसे भैया जी। ओके बाय बाय, थैंक यू अंकल। एक बार बाय बोल दो। बाय। और बोलो बाय बाय। अंकल जी की आवाज ही नहीं निकल रही बिकॉज अंकल जी का गला खराब हो गया है। बाकी अभी निकल रहे हम, जा रहे घर। गैंगस्टर बाय बाय, फिर मिलेंगे। और गाइस पापा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि पापा को मिल चुका है, बट वो दिखाएंगे हम कल। ठीक है डन, कल दिखाएंगे। मम्मी को बताना, मम्मी घर में नहीं घुसने देगी नहीं तो आज। तो वो क्या है आप कल देखना। भाई मैंने दिया भाई खतरनाक सरप्राइज। तो भाई मार्केट से घर पहुंचते बहुत लेट हो गया था। अभी बच चुके दिन के 3:30 और अभी भाई बाहर जो गर्मी हो रही थी ना, मैं दोबारा से नहा के आ गया और भाई अब बैठ के खाते अपना खाना। तो गाइस अभी मार्केट से आके ये देखो मम्मी ने क्या बना दिया, मेरी फेवरेट राजमा, मेरी माँ ने बनाई है राजमा। वाह, टकला भी आ गया स्कूल से भी, और अभी खाते है मस्त खाना। खा के जस्ट चाय पी रहे थे और घर में कलेश, जो कलेश होता ही होता है भाई, हम कोई काम करे और कलेश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कलेश ये है कि बेचारे पापा का जो कान छिदा था ये गलत छिद गया है, मम्मी कह रही है तो अब दोबारा छिदेगा। ये चल वो तू, हाँ बेटा तू देख नहीं सकता था क्या? मुझे आईडी नहीं पापा, पेज छिद गया है, यहाँ होना चाहिए। मुझे आईडिया ही नहीं है, यहाँ होने का दोबारा जाना पड़ेगा। कहाँ पे? कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पर है। कहाँ पे? नीचे। उल्टे बहुत पीछे कर दिया। कहाँ पे बताओ? कहाँ पे था? यहाँ कर दिया, नहीं थे पीछे होना चाहिए यहाँ पर। अरे मेरा सही है ना, मेरा परफेक्ट है। अब दोबारा जा रहे, अभी दोबारा फिर डालेगा तार, वो बंद हो जाएगा पुराना। अपने आप छोड़ दो उसको, अपना बंद हो जाता है। अब पांडे जी में इतने छेद होंगे, पांडे जी में इतने छेद होंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। और डैश 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 कहां से? थोड़ा सा थोड़ा। अरे इसको तो निकालो पहले वाले को, ये डाल दो, निकाल ले। अच्छा डालो, उसी में डालना है वो जो निशान लगा के वाइप में है, वो कहीं दूसरी के में डाल देना। आवाज का भाई आवाज No vale, cabrón, no me mordes. बाकी अब भी लग चुका अपना खाना, और खाने में है दाल सब्जी और रोटी तो है ही नहीं यार, गरीब इंसान है कहां से। अरे ये देखो गरीब इंसान, तेरी तो पिटाई होती है।
रुक बदतमीज। दाल गिर गई वहाँ पे, क्या करे, ब्लॉगिंग के साइड इफेक्ट मम्मी, एक हाथ से कैमरा पकड़ना है, एक हाथ से खाना। तो भाई अभी हम चेक कर रहे हैं कि पापा के कान में छेद कैसे हुआ था और अब इसकी फट रही है। भाई अगले साल तो उनका जनेब होगा, दोनों कानों में छेद होंगे तेरे और अब स्टक लेगा भी होना अगले साल। बस गाइस अभी हो चुका है अपना व्लॉग एडिट और अभी करते थे इसको अपलोड। तो अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, आपके चैनल पे स्माइल आया, आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार ना, तब तक के लिए बाय बाय। पापा के कान में दो दो छेद हो गए।